गुड मॉर्निंग आप सबको। तो गाइस आज मैं थोड़ा कॉलेज जाने वाला हूँ। आज सुबह हो गया है, तो मैं सो करके उठ चुका हूँ और मैं नहा धोवा करके मैं रेडी हो चुका हूँ और खाना भी मैंने बना लिया है आज। तो गाइस आज सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन में मैंने खिचड़ी बनाया है। तो गाइस आज थोड़ा वॉइस मेरा ख़राब है, तो गाइस आप लोग एडजस्ट थोड़ा कर लेना मेरे वॉइस को, क्योंकि थोड़ा कल मैं पानी में ज़्यादा भीग गया था, तो इस वजह से आज थोड़ा मेरा वॉइस ख़राब हो गया है। तो गाइस अब बिना किसी वक्त बर्बाद के चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज मैं आप लोग को अपना कॉलेज घुमाऊँगा और मैं कुछ कैमरा से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं पता करने जा रहा हूँ कि कितने के इंस्टॉलमेंट्स अब कितने में मिलते हैं नहीं मिलते हैं। इक्विपमेंट जा रहा हूँ लेने के लिए एक्चुअल में, तो मैं उनका लिस्ट भी तैयार कर चुका हूँ, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये रहा मेरा लिस्ट, तो मैंने तैयार कर लिया गिम्बल, आप देख सकते हो गिम्बल और कैमरास और फिर सेल्फ स्टिक, गोप्रो, माइक, पिन, ये सब जितने कुछ भी है ना, मैं उन सब का मैं प्राइस थोड़ा पता कर लूँगा और फिर मैं देखूँगा कितना एडजस्ट जितना हो पाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग काम करेंगे। तो मैं थोड़ा रेडी हो लेता हूँ, है ना। राइट, तो अब रेडी हो चुका है, आई थिंक रेडी। तो गाइस मुझे बताना कि अब ऑडियो वीडियो का क्वालिटी कैसा आ रहा है ना। तो अब थोड़ा मैं माइक सब लगा लेता हूँ, थोड़ा खाना खा लेता हूँ। खिचड़ी आज बनी, तो मैं खिचड़ी खा लेता हूँ। ये मैंने माइक भी लगा लिया है, शायद आप लोग को वॉइस सुनाई दे रहा होगा। गाइस सॉरी गाइस, मेरा वॉइस बहुत ख़राब हो गया है, मुझे पता नहीं था कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा मेरे। थोड़ा खाना खा लेता हूँ गाइस, अब कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा, तो बस थोड़ा ही सब खा ले रहा हूँ, जितना उतना ही खा ले रहा हूँ। तो चलिए मैं पहले खा लेता हूँ, फाइनली मैंने खा लिया है खाना। और हम लोग यहाँ से कॉलेज सीधे जाएंगे और कॉलेज में मेरा दोस्त मिलेगा, मैंने कर दी, उसमें निकलता हूँ। गाइस पानी बहुत गिर रहा है, तो मैं यहाँ पर बैठ चुका हूँ। तो गाइस अब मैंने सोच लिया अब मुझे ऑटो से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बहुत देर हो जाएगा कॉलेज, तो मैं अब जाता हूँ ऑटो से ही। कॉलेज पहुँच चुके हैं, कैंपस दिखा देता हूँ मैं, बस कॉलेज का कैंपस और अपना कॉलेज का क्लासरूम। ये रहा हमारा क्लासरूम, ये है कॉलेज का बोर्ड, डिजिटल बोर्ड है ये, देख लो अच्छे से देख लो डिजिटल बोर्ड, और पीछे में मार्कर वाला भी बोर्ड है। और भी दिखाते हैं, यहाँ पे लेक्चर शुरू होता है, लेक्चर पीछे में बैक बेंचर्स लोग हैं और इधर में गर्ल्स लोग भी हैं, यहाँ पे काफ़ी दोस्त लोग भी हैं मेरे, लेकिन अभी मेरे दोस्त हेलो कर रही हो। तो गाइस फाइनली हम लोग का क्लास हो चुका है, तो हम लोग निकलते हैं। बाजार थोड़ा सा मेरा मन किया कि मैं घूम लूँ थोड़ा, तो मैं डोंडा कॉलेज का पीछे का एरिया में मैं घूम रहा हूँ। मतलब कि आप जो देख रहे हैं ये एरिया ना, ये सब डोंडा कॉलेज के आसपास का एरिया है, आप देख लो अच्छे से देख लो। और जो यहाँ पे मतलब कि इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि एक हेलमेट है और दूसरा हेलमेट नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में जाएंगे और ट्रैफिक वाला लोग अगर पकड़ लेगा ना तो फिर दिक्कत हो जाता है। आप लोग जानते होंगे
अभी तो नेसेसरी हो चुका है डबल हेलमेट, जितने लोग बैठेंगे गाड़ी में उतने लोगों को हेलमेट, और मिनिमम दो ही लोग बैठ सकते हैं ये भी है। तो गाइस अब थोड़ा वेट कर रहे हैं अपने दोस्त का कि वो निकले और हम लोग को हेलमेट दे बोल के, तो इसीलिए हम लोग यहीं पर काम करते हो मेरा दोस्त, तो अब निकलेगा तो ही। अब गाइस आज हम लोग थोड़े सैड हैं आज, हम क्योंकि जिसलिए हम आए थे वो काम हुआ ही नहीं, वो एक्चुअल में काम करने आया ही नहीं आज, और है कहीं और है गया है, उससे तो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा दूसरा दोस्त को कॉल किया, तो वो बोला कि आ जाओ ले लो हेलमेट, तो अब जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं ढाबा पे और कुछ पेटी वेटी मारेंगे, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। तो गाइस मैं अपने न्यू लुक में कैसा लग रहा हूँ कमेंट में जरूर बताना मुझे। तो गाइस फाइनली हम लोग को मिल चुका है अब। कहीं भी घुस जाता है पता ही नहीं चलता किधर। देखो तो टाई को किधर कर दिया, मेरा जो दोस्त है ना थोड़ा सा पगला गया है अपने गर्लफ्रेंड को लेकर के, वो बस ढूंढे जा रहा है अपने गर्लफ्रेंड के लिए क्या कर, कभी बोतल बोल रहा है, कभी लिपस्टिक बोल रहा है, तो कभी क्या क्या बोल रहा है। पर्स खरीद लो खुश हो जाएगी, झोला पकड़ती मैडम खुश हो जाएगी, झोला पकड़ती है बोल रहा है कि झोला पकड़ती मेरी मैडम। यहाँ का मौसम ना एकदम अलग ही रहता है, अलग ही लेवल का है, कभी गर्मी कभी बरसात। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं, छोला मिलेगा वहाँ पे, मिलेगा छोला छोला नहीं पता, लेकिन हम जा रहे हैं लिट्टी खाने के लिए, लिट्टी हाँ लिट्टी खाने के लिए जा रहे हैं, लिट्टी खाएंगे उसके बाद फिर हम लोग सीधे घर जाएंगे। तो गाइस जहाँ हम लोग लिट्टी खाने जा रहे हैं काफ़ी टेस्टी लिट्टी बनाता है, तो गाइस हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं लिट्टी दुकान, आप लोग देख सकते हो यहीं पर हम लोग भोजन करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी जोर का भूख लगा था दोपहर हो गया और अभी तक खाए नहीं थे, तो फाइनली हम लोग को लिट्टी चोखा मिल चुका है, देख लो आप लोग, आप लोग भी खा लो पूरा मज़े ले लो है ना अच्छे से खाना। तो अब मैं खा लेता हूँ उसके बाद भी मैं आप लोग से मिलता हूँ, खा लिया। फाइनली हम लोग अपना घर पहुँच चुके हैं, मैं अपना घर पहुँच चुका हूँ, चलो कहाँ से जाएगा तुम, ठीक है इधर ठीक है ना जा चलेगा घर तरफ। क्या कर रहा है वासु यहाँ, हाँ सो क्यों उठाया का, दोपहर का शाम हो गया ना, शाम हो गया गाइस, और अब भी जा करके अभी हम लोग पहुँच गए हैं शाम तक। चार मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया, आप देख सकते हैं मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है, और मेरा दोस्त भी आया था मेरे घर में और मेरे घर को देखा कैसे रहता अकेले बोल के। तो अब मैं जा रहा हूँ ट्यूशन पढ़ाने के, यही वो लड़का जिसको हमको पढ़ाना है, देख लीजिए अपना शक्ल नहीं दिखा रहा। गाइस मैं फिर से जा रहा हूँ ट्यूशन, दूसरा ट्यूशन पढ़ाने, मैं दिन भर में दो ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो अब चलिए वहाँ पे लेकर चलता हूँ आप लोगों को। हाय तो यही बच्चा है जिसको मैं पढ़ाता हूँ, गाइस आप लोग अच्छे से देखो, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करता है, मैथ में बहुत इंटेलिजेंट है। तो गाइस अभी रात के 11:30 बज चुके हैं और वीडियो एडिट करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया गाइस, और अब जानते हैं गाइस कि स्टूडेंट लाइफ कितना स्ट्रगल वाला होता है, और मैं अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके, अपना पूरा परिवार को छोड़ करके मैं अकेला रहता हूँ सिर्फ सफल बनने के लिए गाइस। तो आप लोग मुझे पता है कि आप लोग मेरे मेहनत को कभी बर्बाद नहीं होने दोगे, तो गाइस बस आप लोग पे डिपेंड करता है मेरी सफलता, तो आप लोग गाइस बस मेरा सपोर्ट करना, बस इतना ही कहना है आप लोग से।
तो गाइस मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।